दोस्तों केकेआर के नया कप्तान बना दिया गया है नीतीश राणा को। जी हाँ दोस्तों, और नीतीश राणा को कप्तान बनाने के बाद बहुत सारे लोग शॉक्ड हो गए। जी हाँ दोस्तों, सबको कहना है कि नीतीश राणा की जगह पर आप शकीब अल हसन को ले सकते थे, वो बांग्लादेश टीम का कप्तान है। सुनील नारायण को ले सकते हैं, उन्होंने भी कप्तानी का एक्सपीरियंस है। या फिर शार्दुल ठाकुर को, नीतीश राणा क्यों? दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पांच रीजन जिसलिए नीतीश राणा को कप्तानी दिया गया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या रीजन है। दोस्तों पहला रीजन आता है नीतीश राणा के एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, नीतीश राणा इससे पहले दिल्ली टीम का कप्तानी कर चुके हैं, T20 में कप्तान रहा है नीतीश राणा। जिस टीम का कप्तान इससे पहले गौतम गंभीर रहे थे, और गौतम गंभीर उसके बाद IPL में KKR से कप्तानी बार लेते हुए उनका कप्तानी बहुत ही अच्छा गया था। और नीतीश राणा भी उसी दिल्ली टीम का कप्तानी कर चुके हैं, 3 साल करे है कप्तानी, और उनका कप्तानी का रिकॉर्ड भी अच्छा है। दोस्तों इसके बाद आता है देसी खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, IPL में कोई अगर कप्तान बनता है तो सबसे पहला जो फ्रेंचाइजी सोचते है कि वो इंडियन रहे, क्योंकि 4 ही फॉरेनर्स को खेलना अलाउड है। तो अभी यहाँ पर फॉरेनर्स को अगर कप्तान बनाया जाए तो फॉरेनर्स को कुछ कुछ जगह पर बिठाया जा सकता है, क्योंकि फॉरेनर्स 7 या 8 होगा तो अदला बदली करके खिलाया जा सकता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। लेकिन नीतीश राणा वो इंडियन खिलाड़ी है, और इंडियन खिलाड़ी को ना भी बिठाया जाए तो भी बहुत ही अच्छा है। और नीतीश राणा यहाँ पर कोई भी मैच में नहीं बैठेंगे क्योंकि KKR के रेगुलर खिलाड़ी है। दोस्तों तीसरे 9 नंबर के पॉइंट है, वो है KKR का एक एग्जिस्टिंग खिलाड़ी जो कि पिछले कुछ सालों से KKR से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश राणा बैक टू बैक पिछले कुछ साल से KKR का मेंबर रह चुके हैं, KKR से अप डाउन देखे हैं। तो KKR के जो मैनेजमेंट है उनके साथ में नीतीश राणा का कनेक्शन बहुत अच्छा है, और वो खिलाड़ी और साथ में फ्रेंचाइजी ओनर्स को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद चौथे पॉइंट जो आता है वो है एज। नीतीश राणा अभी सीनियर खिलाड़ी ही माना जाता है। नीतीश राणा का एज है 29+, तो ये सीनियर खिलाड़ी के जगह पर ही उन्हें अब ले सकते हैं। और KKR में नीतीश राणा से ज्यादा सीनियर अगर कहा जाए अंदर रसेल, सुनील नारायण या फिर शार्दुल ठाकुर है। रसेल और नारायण को तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो लोग फॉरेनर है, और यहाँ पर शकीब अल हसन भी फॉरेनर है, और वो भी पूरा जो सीरीज है वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर नीतीश राणा को अच्छा चॉइस माना जा रहा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर का एज भी नीतीश राणा से कम था, उनका अनुभव भी नीतीश राणा का बहुत अच्छा है। और दोस्तों पांचवा पॉइंट, नीतीश राणा इससे पहले KKR को बहुत सारे मैचेस जिताया है, और नीतीश राणा एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि सिंगल डिजिट स्कोर करके बहुत ही कम आउट हुए हैं, और वे ऑलराउंडर है। तो टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो कि ऑलराउंडर है और बैटिंग भी बहुत अच्छा करे। तो नीतीश राणा ऐसे ही खिलाड़ी है, और उनके साथ टीम की बाकी सब खिलाड़ी, उनके एग्जिस्टिंग खिलाड़ी है, रसेल कहिए, नारिन कहिए, रिंकू सिंह कहिए, वेंकटेश अय्यर, सबसे बहुत अच्छा तालमेल बना के रखते हैं नीतीश राणा, और बहुत फन लविंग गाय है। तो ऐसे अगर कप्तान बने जो कि सबसे साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है, रिलेशन बना के रखा है, तो वो अगर कप्तान बन जाए तो सबके लिए बेहतर होगा, और टीम का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये 5 कारण के लिए नीतीश राणा को बनाया गया कप्तान। दोस्तों आपको क्या लगता है, नीतीश राणा की जगह पर KKR का कप्तान कौन होना चाहिए था, या फिर नीतीश राणा बेस्ट है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।